अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मसद नौरीन अंसारी। और आज मैं मज़मून जो है उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हमारा टॉपिक है मज़मून का बेरोज़गारी एक बड़ा मसला। तो हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मज़मून लिखने का एक तरीका होता है, ये रहे उसको हम पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं और ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी नहीं है। बट अगर हम पॉइंट्स बना के लिखते थे तो हमारे ज़्यादा अच्छे रहते। तो पॉइंट्स हमारे तीन हो सकते हैं, तमीन, नफ्स, मज़मून और इख्तिताम। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से, जो मेरा ऐसे था साइंस का रिश्मी, उसने बताया था। आप उसको भी, उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको एक ऐसे लिखने का तरीका अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मज़मून बेरोज़गारी एक बड़ा मसला। तो फर्स्ट है तमहीद। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के तरह बेरोज़गारी का मसला भी कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक को छोड़कर, ममालिक किसकी जमा है, मुल्क की, तो ममालिक को छोड़कर पूरी दुनिया का मसला है। वैसे तो ये गाइड भी मिल जाता है, बट मैंने कॉपी में इसको, गाइड में बहुत टफ वर्ड्स यूज़ किए गए थे, तो मैंने कॉपी में जो मुश्किल वर्ड्स थे उनको आसान वर्ड्स में तब्दील करके फिर मैंने एक कॉपी में लिखा हुआ है। तो ममालिक को छोड़कर पूरी दुनिया का मसला है। हिंदुस्तान में तो ये मसला संगीन सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। आज करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान का तालीम याफ्ता नौजवान नौकरी की तलाश में लगा हुआ है। ये मसला अचानक जाहिर नहीं हुआ, बल्कि ये मसला पहले भी था और अब भी है। गुलामी के ज़माने में जब तालीम आम नहीं थी तो पढ़े लिखे लोगों की कम तादाद के साथ बेरोज़गारी का मसला भी कम था, लेकिन तालीम का रुझान जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ये मसला भी खड़ा होता गया। हुकूमत के ज़बरदस्त कोशिशों के बाद भी इस मसले पर काबू नहीं पाया जा सका। ऐसा क्यों, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है, तमीज हमने क्या बताया, बेरोज़गारी के बारे में बताया, वो क्यों है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नफ्स मज़मून। इस नफ्स मज़मून में हम हमारे इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अब हम इस बारे में नफ्स मज़मून में बात करेंगे। तालीम हासिल करना बहुत अच्छी बात है, हर एक को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इल्म इंसान का जेवर है, ज़रूरी नहीं कि इल्म नौकरी करने के लिए ही हासिल किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता नौजवान का यही नज़रिया है जो सरासर गलत है। सनअती एतबार से दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक, ममालिक किसकी जमा है, मुल्क की, तो बहुत सारे मुल्क की बात हो रही है। तो तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हिंदुस्तान की सनअत अपने उरूज पर नहीं है कि हर उम्मीदवार को मुलाजिमत दस्तयाब हो, मतलब मुलाजिमत नौकरी दस्तयाब हो सके। अगर बहुत जद्दोजहद के बाद कोई मुलाजमत मिलती भी है तो वो उसकी तालीम के अतबार से इत्मीनान बख्श नहीं होती है। हिंदुस्तान में बेरोज़गारी का ज़बरदस्त तूफान उस वक्त आया जब तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना। दोनों मुल्कों में फ़र्क़ावाराना फसादा जानी नुकसान के साथ साथ करोड़ों अरबों रुपयों की अमला खाकस्तर कर दी गई। हिंदुस्तान को नई नई आज़ादी मिली थी और वो अभी पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा भी ना होने पाया था कि उसे बेरोज़गारी और बेकारी के हंगामी हालात से दो चार होना पड़ा। अब लास्ट हमारा पॉइंट है अख्तिताम, जिसे हम खात्मा भी बोल सकते हैं कि हम हमारी टॉपिक जो हमने बात करी है, हम किस नतीजे पर पहुँचे हैं, अब हम इसमें ये चीज़ बताएंगे। थर्ड अख्तिताम, हमारा तालीमी निज़ाम इतना नाकस है कि वो तलबा के हाथों में डिग्रियां तो पकड़ा देता है मगर जाना दस्तकारी या दीगर पेशा वाराना तालीम इतनी भी नहीं देता कि नौकरी ना मिलने की सूरत में अपने हुनर से रोज़ी रोटी कमा सके। हिंदुस्तान में नौजवानों में ये अजीब बात है कि वो पढ़ लिख कर मेहनत मशक्क़त का कोई काम करने में बेइज्जती और शर्म महसूस करते हैं। अच्छी मुलाजमत मिलती नहीं है, मेहनत का काम करने में आराम महसूस होता है। इस कश्मकश में पढ़ा लिखा इंसान कहीं का नहीं रहता। बेरोज़गारी नए बहुत से मसाइल पैदा किए हैं, मसलन
चोरी, डकैती, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी वगैरह, जिन नौजवानों को रोजी रोटी नहीं मिलती तो पेट भरने के लिए वो इसी तरह के बदअनवानियों पर आमादा हो जाते हैं। गुर्बत, तंगदस्ती, महंगाई, फाकाकशी और उस पर से बच्चों की बेरोजगारी ने वालदेन को न सिर्फ फिक्र में डाल दिया है बल्कि वक्त से पहले बूढ़ा भी कर दिया है। और लास्ट में हम एक शेर के साथ अपना ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे कि चेहरे की चमक छीन ली हालात ने, वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। तो ये हमारा जो मजमून था कंप्लीट हो गया। अगर आप कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।